भाई सुबह सुबह कांड, भाई की मैं पिंचर हो गया और अपना कराएंगे गियर शिफ्टिंग, गियर में दिक्कत कर रही थी तो गियर कराएं भाई से। जय भोले जय शंकर। भाई हम पहुंच चुके हैं धारी देवी और यहां से श्रीनगर पड़ता है 12 किलोमीटर। कल हम रुके थे श्रीनगर और अब हम धारा देवी पहुंच चुके हैं। यहां पर नहाएंगे, स्नान करने के बाद दर्शन करेंगे और मान्यता है इस मंदिर की कि घंटी चढ़ाई जाती है यहां पे। अगर आप कोई मन्नत मांगना चाहते हैं तो घंटी चढ़ाइए और मन्नत मांग ली भाई अपनी, और जब पूरी हो जाती है तो आपको घंटी चढ़ानी होती है। काफ़ी घंटियाँ बंधी मिलेंगी आपको, दर्शन भी कराएंगे। अभी तो हम जा रहे हैं भाई, अभी हम पहुंचने में लगभग हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे क्योंकि नीचे की तरफ है। दिखा दो भाई एक बार नीचे की तरफ मंदिर बाबू जी। भाई ये है धारी देवी जी का मंदिर। तो चलो भाई मिलते हैं आपको नीचे पहुँचने के बाद। भाई ये है मेन दरवाज़ा धारका देवी मंदिर का। इतनी भाई नीचाई और वहाँ पे जैसे आप जैसे जाएंगे इसी रास्ते चढ़काएंगे ये नीचे। भाई ये मेन अंदर की तरफ रास्ता जाता है यहाँ से, जो आप पार करके आएंगे नीचे अलकनंदा नदी रह जाती है जिसमें हमने अभी स्नान किया है और अब जा रहे हैं हम मंदिर की तरफ अंदर। भाई ये घंटियाँ बनती हैं ऐसे और ये मंदिर की चमड़े की बेल्टें हैं जो आप मंदिर के बाहर तार के जा सकते हैं। मंदिर के अंदर तो कभी प्रवेश नहीं ले जाने देते आपको अभद्र कपड़े और चमड़े की चीज़ में, और यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं जब आप आएंगे तो। अभी भाई दर्शन कर लिए हैं माँ धारा देवी के। धारा नाम जो पड़ा है, इस गांव का नाम है धारा, इस वजह से माता का नाम धारा देवी पड़ा है क्योंकि ये धारा के भाव में टकरा आई थी और टकरा कर इनकी मूर्ति यहाँ पर रुक गई थी। लोगों ने, यहाँ के लोकल लोगों ने इनका विलाप सुना और इस मंदिर का निर्माण कराया। तो यहाँ की आधी मूर्ति है माँ की, यहाँ पर आधी मूर्ति काली मठ में है, ऊपर का हिस्सा यहाँ पर है और नीचे का हिस्सा काली मठ में है। तो भाई दर्शन करने के बाद बड़ा सुकून मिला। आप भी अगर आप केदारनाथ की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो आप ज़रूर रुककर दर्शन करके जाइएगा। भाई रास्ते में कुछ इस प्रकार का भी रास्ता मिलेगा आपको, ये सारा ऊपर से पहाड़ गिरा और थोड़ी सारी की सारी सड़क ख़राब और इसमें साथी ये वाली घूमते जा रहे हैं इतना ख़राब बात यह है, पैदल ही पार करना पड़ता है आपको और वहाँ पर जाना है। चलो चलते हैं, देखते हैं साथी कुछ तो पैदल हो लिए और दो साइकिल पर ट्रैवल कर रहे हैं भाई। चलो ठीक है जाओ भाई। भाई भाई सहारनपुर से मिल गए थे, भाई अपने यूपी से ही हैं और भाई ने सिलेंडर चूल्हा दे दिया और बर्तन दे दिए हैं, अब बनाएंगे चाय। भाई भी हमारे में शामिल हो गए, चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे, चाय का एंजॉय करेंगे। भूख लग रही काफ़ी टाइम से, ब्रेड है अपने पास और तो बिस्कुट भी है अपने पास और चाय बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आप भी पियो, ऐसे सफ़र में ऐसे साथी मिलते रहे ना भाई, जी सा लग जा कसम से, और जब कोई अपना इधर का मिल जा भाई तो और भी जी लग जा। भाई चाय बन के तैयार होगी और ये चाय और ब्रेड और भाई जी ये बैठे, और वहाँ पे हमारे बाबा चांदी वाला गिलास ढूंढने गए हैं क्योंकि दो आदमी के पास गिलास नहीं था, तो चांदी वाला गिलास लेकर आएंगे। अब आ गया आ गया आ गया आ गया, लिया बाबा चांदी वाला गिलास। बाबा इसके गिलास की कहानी बताओ, चांदी वाला गिलास की कहानी क्या है? ये जो सिद्धू भाई थे ना, इनके एक दोस्त ने हमें दिया था एक माजा कि भाई पी लेना, तो रास्ते में वो गर्म होगी, एक भाई से बर्फ ले ली फ्री में दे दी बर्फ। हम बर्फ में दुकान थी, एक माता जी से हम बोले माता जी दो गिलास, माता जी ने गिलास दिया बोला 10 रुपये दो, और यार ये गिलास 5 रुपये का एक गिलास,
तो बाबा ने इसे नाम दिया भाई चांदी वाला गिलास, एक रुपए वाला गिलास पांच में, तो बाबा ने इस गिलास का नाम दिया चांदी वाला गिलास और इसे गैर लेके घूम रहे ये बाबा ने रख दे बोले अब ये चांदी वाला गिलास है आज से यार ये ज्यादा महंगा दिया। तो भाई चांदी वाला गिलास भी निकल गया और चाय भी डन होगी, तो अब चाय का एंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं, वीडियो करते हैं बंद। तो भाई वहां से चले थे और ये यूं 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 करके यहाँ देखो नीचे आई और ये चढ़ते चढ़ते जो ट्रक की आप सामने देख रहे हो धुआं निकलता टायरों में से भी चढ़ती हुई यहाँ वहाँ से चढ़ के ऊपर आ गए और अभी एक चढ़ाई ऐसी और पड़ेगी, तो आप व्यू चेक करो और सूरज का व्यू चेक करो, सूरज देवता कितने सोने लग रहे हैं भाई पहाड़ी के पीछे। जय भोले की नज़ारा नज़ारा रहा नज़ारा, जय भोले की। हालांकि दम भर गए 15,000 में कोई कमी नहीं है, नज़ारा भरपूर आ रहा भाई, ये देखा चेक करो भाई। हम भी थक गए अभी तो, थकान फील हो रही है, सब काम फील हो रहे हैं पर मज़ा ही पूरा ही आ रहा। और अब फिर से ढलान चालू, ढलान में भाई कैमरा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों हाथों से ब्रेक पकड़ने होते हैं, नहीं तो खाई में जाएंगे सीधे। तो भाई कैमरा रख लो उतरने से पहले पहले जा। दोस्तों पहुंच गए करण प्रयाग और यहाँ भी संगम है भाई, आज सबसे लंबे चले हैं, मतलब लंबे नहीं चले, आज सबसे रात तक चले हैं, रात के लगभग 8:10 हो रहे हैं और अब स्टॉप ले लिया है भाई क्योंकि हम लेट हो गए थे, हम रुक गए थे बीच में मंदिर के पे देवी के, तो अब रात में भी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, नहीं तो हम पहाड़ों में भाई रात में सफ़र नहीं करते। अब रुकने के बाद अपना टेंट वेंट लगाएंगे और आराम से विश्राम करेंगे भाई और काम करेंगे थोड़ा सा जो भी काम पेंडिंग है। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं और कल यात्रा फिर से प्रारंभ करेंगे। जय भोलेनाथ की।